हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। नमस्ते सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज बनाने वाले हैं हम रवा मसाला इडली। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और झटपट बन जाती है, ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होता है। तो जल्दबाजी में अगर आपको हेल्दी नाश्ता बनाना है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप रवा। इसको डाल देंगे हम बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे हम दही, ये खट्टा दही है। अब डाल देंगे इसमें दही, कम से कम 2 से 2.5 चम्मच दही ऐड करेंगे हम इसमें। ये देखिए दही ऐड कर दिया है मैंने इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम इसमें। अब पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। हम पानी डालते हुए बीच बीच में एक अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे हम इसका। ये देखिए कितना अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। अब इसको रख देंगे हम ढककर रेस्ट करने के लिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। तब तक अब बना लेते हैं इसकी फिलिंग हम। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पैन, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच राई के दाने ऐड करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। 4 से 5 कलियाँ ली है मैंने लहसुन की। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भून लेंगे इनको अच्छे से। फिर इसमें डालेंगे हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसको ऐड कर देंगे हम प्याज को, और अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे इसको भी हम। थोड़े से इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पर हम। फिर 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसके साथ चलाते हुए। 3 से 4 मिनट में फिलिंग रेडी हो जाती है। अब इस फिलिंग को हम इस बैटर में डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है रवा 15 से 20 मिनट में, और ये सारी फिलिंग को ऐड कर देंगे हम इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब डाल देंगे नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों को बैलेंस करके डाल सकते हैं आप। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। फिर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम एक बार। कितना बढ़िया कलर आया है बैटर का, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। रवा भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इससे काफ़ी अच्छे से फूली फूली इडली बनेगी हमारी। तो चलिए भाई, बैटर रेडी हो गया है। अब लेंगे हम एक इडली की प्लेट, और उसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे। तब तक मैंने गैस पे चढ़ा दिया है इडली स्टैंड, और उसमें पानी डाल दिया है। अच्छे से पानी बॉयल हो रहा है, तब तक हम इडली फिल कर देते हैं प्लेट में। इस तरह से ऑयल लगा देंगे हम ताकि वो चिपके नहीं उसमें और आसानी से निकल जाए। अब इसमें बैटर डाल देंगे हम इडली का। 1-1 चम्मच ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि इडलियाँ फूलती हैं तो फिर बैटर बाहर आने लगता है। ये देखिए कितने बढ़िया से फिल हो गई हैं, और इसको रखेंगे हम इडली स्टैंड में। इस तरह से प्लेटें जमा दें। ये देखिए कितने बढ़िया से फिल हो गई है। अब इसको ढककर कम से कम 12 से 15 मिनट स्टीम करेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद निकाल ली है इडली को, कितने अच्छे से फूल गई हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया है, कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। अब चाकू की सहायता से इस तरह से किनारे खोलते हुए इनको निकाल लेंगे हम सारी इडली को। ये देखिए इस तरह से निकल जाएंगी, कितने बढ़िया से अच्छे से निकल चुकी है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। बहुत बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसे चाय के साथ लीजिए, या फिर चटनी के साथ लीजिए, या सॉस के साथ लीजिए, दोनों के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी नाश्ता है, झटपट बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें आप ये रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।